आपसे कहा था हार्दिक पांड्या को जो रूल आउट कर रहे हैं जरा इंतजार तो करें। आपसे कहा था ऋषभ पंत बड़ा मैच तो आने दे, तो रिजवान इसके लिए जो है ना क्रिकेट का नॉलेज रोड पे जाने से आता है, बंद कमरे में बैठ के नहीं आता। इस तरह की पिच पे रिजवान साहब, इस तरह की पिच पे बार बार कहा है यहाँ पे आपको चाहिए रोहित विराट पंत टाइप के, ये शायद दुबे भी चल जाए थोड़ा बहुत। ये सूर्य कुमार यादव देखे, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम बट दे आर नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द पास्ट, है ना। उन्हें कंडीशन चाहिए, स्टाइल चाहिए, माहौल चाहिए। रोहित भाई को माहौल शॉट नहीं चाहिए, ये माहौल खुद बनाते हैं। ये लो मेरा बेटा डॉलर और इनको लो और मजे करो। हम लोग ऐसे ही बड़े दिल के लोग हैं, कभी तुम हमारा कोई नूर ले जाते हो, कभी तुम हमें इस तरह के कब्रिस्तानों में खिलाते हो, लेकिन मजा आ गया। इस तरह रोहित शर्मा के हो जाते हैं, आपने कुल की बात की है, माई गॉड वो राधिका बैठी हुई थी उनकी वाइफ, तब शी वाज एंजॉयिंग। 2024 की ट्रॉफी मुझे लगता है इंडिया बॉलिंग के सर पे उठाएगा। भाई इंडिया की बॉलिंग अटैक का अपने मुकाबला करना है तो ले आओ आप लोग बैट क्यूमिंस को, ले आओ मिचेल मार्श को, ले आओ आप हेजलवुड को, ले आओ आप स्टार को, ले आओ आप ट्रेंट बोल्ट को, ले आओ आप राशिद खान को, स्पेशली आप लेकर आओ पाकिस्तान के बॉलर्स को उनके सामने। इंडिया की बॉलिंग एक साइड पे, पूरी वर्ल्ड 11 की बॉलिंग एक साइड पे, स्टिल इंडिया विल विन। मुझे लगता है 9 जून को जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, अगर ये एक एक दो दो विकेटें ले तो पाकिस्तान की पूरी टीम इन्होंने कच्ची निकल जानी है। और जसप्रीत बुमराह जो 6 रन देता है उसके बाद 2 विकेटें ले जाते हैं, और अर्शदीप सिंह यार इतनी स्विंग, मतलब यार बाल ऐसे ऐसे लपक के जो विकेटों में घुस जाती है। पाकिस्तानी जनता फैन परेशान है भाई कि हिटमैन बहुत मारेगा, हिटमैन पर सवाल उठ रहे थे। यहाँ की जनता भी, हमारे भारत के फैन भी बड़े सवाल उठा रहे थे कि क्या हिटमैन कुछ करेंगे, पिछली बार भी नहीं हुआ, उससे पिछली बार भी। तो भाई पहले मैच में ही अपना रुद्र रूप, अपनी हिटमैन वाली इमेज दिखा दी भाई ने कि मैं तैयार हूँ, इस बार फेंटूंगा। हाँ विराट कोहली थोड़ा अनलक्की साबित हुए, और ऋषभ पंत भी टशन में है पूरे। सूर्य कुमार यादव की भी विकेट शायद न जाती, शायद कह सकते हैं न जाती, अगर हिटमैन रिटायर्ड हर्ट होकर नहीं जाते बाहर। एनीवे क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, और अभी तक जो हमने देखा अच्छा था, लो स्कोर मैच था, लेकिन फिर भी भारत की शानदार जीत। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता। अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कराते अब यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जरा सुकून है, इंटरनेट भी मोस्ट लाइकली यहाँ पे सही चलेगा, और पिछली वीडियो में थोड़ा इंटरनेट का भी मसला था, थोड़े जैमर शैमर कुछ इस तरह के लगे हुए हैं, लेकिन खैर जैमर तो लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया बिल्कुल भी जैम नहीं हुआ। एंड दे वर फैंटास्टिक टुडे बॉलिंग बैटिंग, और मोहसिन भाई को बड़ा भरोसा था रोहित शर्मा कमाल करेगा, तो आज पहला ही मैच है वर्ल्ड कप का, और पिछले वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हुआ खास, उससे पिछले में लंबी एक हिस्ट्री है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने, और जिस तरह से जॉश लिटल को छक्के मारे हैं पुल शॉट पे, दैट वाज अमेजिंग, मजा आ गया देख के। हालांकि पिच फंसी हुई पिच पे जहां पे अगली टीम ने 100 भी नहीं किया, वहां पे ऊपर नीचे छक्के कमाल कर दिया, और बाकी बॉलर्स दे डिड अमेजिंग जॉब, उस पर तो हमने बात की है, और ऋषभ पंत अब मोस्ट लाइकली वही वन डाउन खेलेगा, कमाल की उसकी भी स्टोरी है, और जिस तरह से वो इतने डेडली एक्सीडेंट से वापस आया और फिर एक 1.5 साल के अंदर अंदर दोबारा अपनी जगह हासिल की, ही वाज सेंसेशनल, ही वाज अमेजिंग टू। तो चारों शाने चित, पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे कि एसोसिएट टीमें को तो इंडिया नाक से लकीरें निकलवा देगा, तो हालांकि ये आयरलैंड उनसे बेहतर टीम है, लेकिन फिर भी आपने देखा आज कितना वन साइडेड, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंट्रोल और डिमोलिश कर दिया। तो जी मोहसिन अली साहब, फंटास्टिक विक्ट्री, और टोन सेट हो गई है, बड़ा टूर्नामेंट है, और उससे पहले 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 ही मैच में बड़ी फतह हासिल की है इंडिया ने, बिफोर हाई वोल्टेज मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जो हमने लोगों से वादा किया था कि वीडियो बने ना बने, एक बंदा बनाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे हम दोनों में से एक, तो फॉर समवन्स जॉय, समवन्स प्लेयर, समवन्स दिल की ठंडक, मोहसिन अली तो नहीं है वहां, लेकिन उनके लिए बदकिस्मती है कि रिजवान आदम वहीं पे मौजूद है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और शो जो है जैसा भी था, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया, छोटा सा एक कर दिया, तो जो हमने वादा किया पूरा किया।
मई के महीने में आपसे कहा था, मई के महीने में आपसे कहा था ये ग्राउंड ये पिच क्रिकेट के लिए नहीं है, कब्रिस्तान है। वो आज रोहित शर्मा इंजर्ड हुआ, ऋषभ पंत बच गया, बार बार बचे हैं तो ये आपके सामने है। रोहित शर्मा स्कोर करेगा, बड़े बड़े मुंह बंद करेगा, आपके सामने है। और आपसे कहा था हार्दिक पांड्या को जो रूल आप कर रहे हैं जरा इंतजार को करें। आपसे कहा था ऋषभ पंत बड़ा मैच तो आने दे, तो रिजवान इसके लिए जो है ना क्रिकेट का नॉलेज रोड पे जाने से आता है, बंद कमरे में बैठ के नहीं आता। 12 ओवर में आपसे कहा था मैच खत्म होगा, 12 ओवर। बाकी हमने थोड़ी सी बात भी की है, हरभजन सिंह मिले उनसे जरा गपशप की है, और भी इंडियन फैंस और पाकिस्तान के तो जाहिर है कि आज फैंस नहीं थे, कुछ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी है, नेपाल के कुछ फैंस मिले, आयरलैंड के कुछ, तो उनसे हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी बात की है। वो वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा आज अपलोड करूं, आज कल, क्योंकि अगला बड़ा मैच वही है, सो आई विल ट्राई टू डू दिस। वो भी बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले आयरलैंड का खिलाड़ी आया था तो उसके बीच में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो टाइम का जरा फायदा उठा लिया। मोहसिन भाई ने बहुत बेहतरीन कमाल का वीडियो बनाया, और आपको रोहित शर्मा पे बड़ा भरोसा था मोहसिन अली साहब, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी काफी इफ्स एंड बट्स वाली थी, लेकिन आज जिस तरह उसने जॉश लिटल लेफ्ट आर्म पेसर पे जी फंसता है ऐसा वैसा कंसर्न तो था, मैंने भी पॉइंट उठाया, बट ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल टुडे। आज खास करके जिस तरह उसने पुल शॉट पे खेला है, दैट वाज अमेजिंग। इस तरह की पिच पे रिजवान साहब, इस तरह की पिच पे बार बार कहा है, यहाँ पे आपको चाहिए रोहित, विराट, पंत टाइप के, ये शायद दुबे भी चल जाए थोड़ा बहुत, ये सूर्य कुमार यादव देखे, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम बट दे आर नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द पास, एंड अब उन्हें कंडीशन चाहिए, स्टाइल चाहिए, माहौल चाहिए। रोहित भाई को माहौल शॉट नहीं चाहिए, ये माहौल खुद बनाते हैं, ये माहौल खुद बनाते हैं। आप देखे इतनी गंदी पिच है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा, ग्राउंड में रोल नहीं कर रहा, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लेट रहा है, इसके बावजूद जिस तरह 36 बॉल पे 50, कैन यू टेक इट और नॉट? If you are chasing 97 and you are chasing that in 12.2 hours and 8 wickets in hand, fortunately Rohit aaya tha post match pe, to shukar hai usko itni neend lagi, lekin Rizwan sahab kya ye ICC bali mang raha hai, khoon chahiye? Rizwan Adam sahab, I am very sorry, वो मेरी आपकी बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं आपको एक सवाल अपने पास से कहता, आपने सिर्फ एक चीज पूछनी थी और आप नेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट फोर्स्ड इंडिया टू एग्री टू प्ले ऑन सच काइंड ऑफ सरफेसेस, व्हाट फोर्स्ड बीसीसीआई टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ पिच, दिस काइंड ऑफ अ बुलशिट व्हिच इज अ लिविंग हेल फॉर द बैटर्स इवन फॉर द बॉलर्स, नथिंग देयर। देखे ये सुल्म है और ये होना ही था 80-90, अभी तो अल्लाह की मेहरबानी से बड़े लोग क्वेश्चन कर रहे थे मोहसिन को वीजा नहीं मिला, अभी सबको वीजा मिला हुआ, ये क्यों कह रहे? Why aren't they saying the same thing which I had mentioned one week or prior to that? Why they are mentioning the pitch? अब खेले हुए, अब क्यों खामोश है? ये भाई कब्रिस्तान है। और देखे दो बातें आपसे आज सुबह के शो में की थी, एक आपसे कहा था ये मुर्दा वर्ल्ड कप में जान फोंक देगा आज इंडिया, और इंडियन फैंस, हैट्स ऑफ टू इंडियन फैंस, द वे दे केम इन सच मैसिव नंबर, दे थ्रू द एंटायर स्टेडियम, दे गेव द मनी लाइक जैसे ऐसा नहीं होता, वार के अपने मुल्क पे, अपने प्लेयरों पे से वार के, अपने बच्चों का सदका निकाल के आईसीसी और अमेरिका को दिया, ये लो पुत्र पैसे, ये लो मेरा बेटा डॉलर, और इनको लो और मजे करो। हम लोग ऐसे ही बड़े दिल के लोग हैं, कभी तुम हमारा कोई नूर ले जाते हो, कभी तुम हमें इस तरह के कब्रिस्तानों में खिलाते हो, लेकिन मजा आ गया इस तरह रोहित शर्मा के हो जाते हैं। आपने कुल की बात की है, माई गॉड, वो राधिका बैठी हुई थी उनकी वाइफ, द वे शी वाज एंजॉयिंग। इंडिया ने आयरलैंड को 96 पे ऑल आउट करके अपनी बॉलिंग का टेरर पूरी दुनिया में दिखा दिया, क्या लगता है आने वाले मैचेस के अंदर
टीम इंडिया की ये बॉलिंग से बाकी टीमें परेशान होंगी? यार ऑब्वियसली परेशान होंगे, क्योंकि इंडिया जब भी जीतता है वो बैटिंग के सर पे जीता है। इंडिया वह 2024 में इंडिया की बॉलिंग लाइन मुझे बहुत स्ट्रांग ला रही है, और मैं अभी से कह रहा हूँ कि इंडिया इस मरतबा 2024 की ट्रॉफी बॉलिंग के सर पे उठाएगा। पाकिस्तान में टैलेंट जरूर आ गया, देखा ना, हारा आयरलैंड, लेकिन रो पाकिस्तान के बादल रहे, क्योंकि पाकिस्तान के बादलों को पता चल गया कि भाई 9 जून को पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का क्या हाल होने वाला है। और भाई ये तो एक्सपेरिमेंट रोहित शर्मा ने आज फिर किया, हरदीप सिंह को पहला ओवर दे के, फिर बुमराह को तो जल्दी लगाया नहीं, पांचवे या छठे ओवर में जाके बुमराह को लगाया। कहाँ गए हैं वो लोग जो कहते थे बुमराह पहले दो ओवरों का नए बॉल को स्पिन कर सकता है? और भाई आज पांचवे छठे ओवर के अंदर आप लोगों ने अगर बुमराह का ओवर नहीं देखा तो मेरे भाई जाके ना आप लोग हाइलाइट्स देखो कि बुमराह का पहला ओवर का पहला बॉल कहाँ से बच के गया था। वो तो शुक्र करे बैट्समैन ने, बैट्समैन को शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई माइनर सा बॉल थोड़ा नीचे होता ना, उसका किला ऐसा उड़ना था कि उसका वहां भी कैरियर एंड हो जाना। तो सोच रहा था कि भाई मैं इसको लीव करता, टिप करता, क्या करता। 2011 में जहीर खान एक अकेला बॉलर था इंडिया के पास, तब इंडिया ने वर्ल्ड कप विन किया। उसके बाद इंडिया हमेशा से बैटिंग लाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन पहली मरतबा इंडिया की धरती पे, इंडिया की जमीन पे बॉलर हमें नजर आए, पेसर हमें नजर आए, 8-8 बॉलर यूटिलाइज कर रहा है रोहित शर्मा। और आज जिस तरह की बॉलिंग लाइन मुझे देखने को मिली, और जिस तरह उन्होंने आयरलैंड को तबाह किया, आयरलैंड वो जो पाकिस्तान को 193 लगाती है उससे 96 पे इंडिया बुक कर रहा है। भाईजान आप खुद अंदाजा करें कि की बॉलिंग लाइन कितनी मजबूत हो चुकी है। बैटिंग तो वैसे ही शुरू से फार एवर इंडिया की बेस्ट रही है, लेकिन अब बॉलिंग लाइन इतनी मजबूत। और हार्दिक पांड्या से पिछले अगर मैं उसकी बात करूं, यार वो बंदा पता नहीं क्या खा के आते, 3-3 विकेटें, 4-4 विकेटें। अर्शदीप सिंह आउट ऑफ सिलेबस आ रहे, लोग तैयारी करके आते हैं कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग जो है उसका हमें खौफ होगा, लेकिन अर्शदीप सिंह से ओपनिंग होती है और अर्शदीप सिंह दूसरे ओवर में 2-2 आउट कर जाते हैं। मतलब इंडिया की बॉलिंग लाइन को अब ना सिर्फ पाकिस्तान डरेगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी कहेगा कि इंडिया की टीम में जो है बॉलिंग लाइन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और तैयारी करके आनी पड़ेगी आपको। बाकी मैचेस के अंदर क्या लगता है कि 9 जून को पाकिस्तान थोड़ी बॉलिंग की तैयारी करके आएगा? क्योंकि हर बंदा तैयारी करता है बुमराह की, कुलदीप यादव की, अशर पटेल की, ये हम अर्शदीप सिंह का क्या करेंगे? यार देखें यही तो मसला है, मैं आपको ये बता दूं कि 9 जून को अब इंडिया पाकिस्तान जितनी भी तैयारी करे ना, अब इंडिया के पास इतने बॉलर बैठे हुए हैं, हर रोहित शर्मा नया से नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभी तो कुलदीप यादव नहीं था, अब 9 जून को कुलदीप यादव पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो पहले से ही बाबर आजम को वैसे वो पुक कर लेते हैं। रोहित अभी जो है जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट कर रहा है, मतलब उसने उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जो करना जानता है, जो वो कर सकते हैं। मुझे लगता है 9 जून को जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, अगर ये एक एक दो दो विकेटें ले तो पाकिस्तान की पूरी टीम इन्होंने निकल जानी है। यही बात तो मैं कर रहा था भाई कि पाकिस्तानी जनता जो है वो हैरान परेशान है, क्या होगा भाई, क्या होगा। इतने दिनों बाद फिर से एक मौका आया है, क्या बनेगा इस मौके का। एनीवे यहां रहा लिंक फुल वीडियो का, देखिएगा। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत, जय हिंद।